आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? कौन मर गई? क्या क्या कहा था मैं? मां पारा, जवाब देना। आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि उसे मैंने जिंदा देखा है मॉम। रायत, मां पारा वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं। मैं पूछ रही हूँ कि ये ब्रेसलेट किसका है? अरे हमारी एक मुलाजिमा थी, उसका है ये सामान। हेलो आंटी। आह हेलो बेटा। आई एम सो सॉरी, मैंने शायद आपको डरा दिया। अरे नहीं नहीं तुम्हारे आने से तो मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं। रियली? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस तरह बेवक्त कॉल करके बुलवाया। नहीं आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं तो खुद आप ही के बारे में सोच रही थी और मामा भी काफी अपसेट हैं। हाँ बेटा, बस पता नहीं क्यों अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत पल्पिटेशन हो रही थी और मैं इतनी अपसेट थी कि किसी से कोई बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। ओ आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बैठो बैठो। अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर। इसीलिए मैंने आज तुम्हें कॉल करके बुलवाया कि जो कल मुलाकात ठीक से नहीं हो सकी थी वो आज हो जाए और आज तुम हमारे साथ डिनर भी कर लो। डिनर तो हम कभी भी साथ कर सकते हैं, बस आपसे मिल लिया यही काफी है। बेटा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछे। वो ये ब्रेसलेट कल तुम्हारे घर पे मुझे दिखा था, वो एक मेड थी ना, वो किसी मेड का सामान लेके जा रही थी तो ये उसमें से गिर गया था। ब्रेसलेट? हाँ देखो ये शायद तुम्हें पता हो कि ये किसका है। मैं क्या कह सकती हूँ आंटी, एनीवेज आप क्यों पूछ रही हैं? वो दुर्दाना कह रही थी ना कि ये किसी मेड का है, शायद पुरानी कोई मुलाजमा थी। अब मैंने कहा शायद तुम्हें पता हो कि किसका है ये ब्रेसलेट। थैंक यू सारा। थैंक यू किस लिए भाभी? तुम्हें वापस देने के लिए आई हो ना, तुम्हें पता मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हारी इंगेजमेंट से। तुम ढूंढ रही थी? जी। तुम क्यों ढूंढ रही थी? मैं रात की मंगनी में बहकर गई थी, आपको याद है, वहां बेहोश हो गई थी, बस उसके बाद मिला ही नहीं मुझे। भाभी अगर आप मुझे पहले बता देती कि आपका ब्रेसलेट हमारे घर रह गया है तो मैं किसी से कहकर ढूंढवा देती। इट्स ओके सारा, चीजें इतनी कीमती नहीं होती कि इतने नाजुक विषयों से सवाल जवाब किया जाए। आई एम सो सॉरी भाभी, आई हैड नो आइडिया। मुझे पता ही नहीं था आपका ब्रेसलेट हमारे घर में रह गया, शायद किसी मेड ने उठाकर साइड पे रख दिया। और आंटी आपको जिस मेड से ये मिला है मैं उससे जरूर पूछूंगी। नहीं सारा, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी मामूली सी चीज है। तो माओ हम डिनर का मेनू डिसाइड करते हैं, आज हम जो है तुम्हारी पसंद करेंगे। चलो आ जाओ। आंटी मैं आती हूँ।